नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख सकते हैं, चाहे 2 दिन की छुट्टी हो या 3 दिन की छुट्टी हो या 1 दिन की छुट्टी हो, तो किस प्रकार हम आवेदन पत्र लिख सकते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस साइड से शुरू करना है, जो हमारा पेज होता है कॉपी का, उसमें इस साइड से शुरू करना है। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, फिर आपको यहाँ पर कोमा लगाकर लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर आपको लिखना है अपने विद्यालय का नाम। जैसे मैंने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप चाहे तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिख देना है इस प्रकार, फिर कोमा लगा देना है, फिर आपका विद्यालय का जो भी स्थान है, जहाँ का भी विद्यालय है, वो स्थान आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आपको यहाँ पर इस प्रकार विषय लिखना है, फिर आपको लिख देना है 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। यहाँ पर हम 3 दिन की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, अगर आप 1 दिन की छुट्टी चाहते हैं तो यहाँ पर 1 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, अगर 2 दिन की चाहते हैं तो 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, इस प्रकार आपको अपना विषय लिख देना है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखना है महोदय। अब यहाँ पर कोमा लगाकर यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 का छात्र महेश हूँ। ये तो लिखना है जब आप छात्र हो, अगर आप छात्रा हो तो आपको लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 की छात्रा, उसके बाद आपको अपना नाम लिख देना है हूँ। फिर आपको लिखना है मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य हो जाने से मैं अगले 3 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकता। अगर आप छात्रा हो तो आपको लिख देना है कि मैं अगले 3 दिन विद्यालय नहीं आ सकती। उसके बाद आपको लिखना है कि अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक, यहाँ पर आपको जो भी दिनांक, जिस भी दिनांक से आपको छुट्टी चाहिए वो लिख देनी है से, और जिस तक आपको छुट्टी चाहिए वो दिनांक आपको लिख देनी है। जैसे मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए और 10 तारीख से छुट्टी चाहिए, तो 10, 11 और 12 3 तारीख तक मुझे छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखना है कि 10/2/2024 से 12/2/2024 तक, यानी इसके अंदर 10 तारीख भी शामिल है, 11 भी शामिल है और 12 भी शामिल है, तो ये 3 दिन की छुट्टी होगी। और अगर आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो आपको यहाँ पर लिखना है कि मुझे दिनांक, जिस भी दिनांक से आपको छुट्टी चाहिए वो दिनांक आपको लिख देनी है, और यहाँ पर आपको लिखना है और फिर उसके अगले वाले दिनांक, यानी मुझे 10 और 11 की छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि दिनांक 10/2/2024 और 11/2/2024 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इस प्रकार आपको लिखना है अगर आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो। फिर आपको लिखना है आपकी अति कृपा होगी, फिर यहाँ पर आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये तो तब लिखना है जब आप लड़के हो, अगर आप लड़की हो तब आपको लिखना है आपकी आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर आपको लिखना है शिष्य, उसके बाद अपना नाम और कक्षा, और यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है, और यहाँ पर वो दिनांक लिखनी है जिस दिनांक को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, यानी आवेदन पत्र लिख रहे हो, जिसे हम प्रार्थना पत्र भी बोलते हैं, वो दिनांक आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये था हमारा छुट्टी के लिए आवेदन पत्र या छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे एक लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दीजिए। धन्यवाद। Thanks for watching.